हाय हेलो, हाउ आर यू? कैसे है बच्चों? सब लोग ठीक है होंगे? मैं हूँ आपके हिंदी शिवा सर। आप सभी लोगों को पहले बधाई दे रहा हूँ। 9वीं कक्षा अच्छी तरह से अभ्यास करके अच्छी तरह से आप पूर्ति किए हैं। आप सभी को 10वीं कक्षा में आपको हार्दिक स्वागत है। 10वीं कक्षा में आपको हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? 10वीं कक्षा के बारे में एक बार देखेंगे। इससे पहले 9वीं कक्षा में हमको हर एक पाठ में इससे पहले 9वीं कक्षा में हर एक पाठ में पहला प्रस्तावना चित्र रहते थे। प्रस्तावना चित्र के बाद उससे संबंधित कुछ प्रश्न होते थे। उस प्रश्न के बारे में हम सब लोग कक्षा में बातचीत करते थे। और इसके बाद पाठ से संबंधित विषय है। और उसके बाद अर्थग्रहता प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति सृजनात्मकता और भाषा की बात, इस तरह रहते थे 9वीं कक्षा तक। मगर अब 10वीं कक्षा में पूरा एक पाठ 10 भागों में रहते हैं, विभाजित होते हैं 10 भागों में। पहला 10वीं कक्षा में एक पाठ को लिए तो पहला उन्मीकरण और दूसरा उद्देश्य, और उद्देश्य के बाद विधा विशेष के बाद कवि परिचय के बाद विषय प्रवेश के बाद आपको पाठ से संबंधित पाठ का विषय, और पाठ का विषय होने के बाद अर्थग्रहता प्रतिक्रिया होने के बाद अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के बाद भाषा की बात में व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं, और अंत में परियोजना कार्य। यह पूरा 10वीं कक्षा में एक पाठ में इस तरह 10 भागों में विभाजित है। अब हम 10वीं कक्षा के पहला पाठ शुरू करेंगे। 10वीं कक्षा के पहला पाठ शुरू करने से पहले आप सभी को पता है बारिश कैसे आते हैं। बारिश कैसे आते हैं? मेघों से आते हैं। कैसे आते हैं? देखो, एक बार देखिए बच्चों, बारिश कैसे आ रहे हैं अच्छी तरह से। बारिश कैसे आते हैं? मेघों से आती है। मेघ कैसे होते हैं? समुन्दर के पानी से, वो पानी ऊपर जाके पूरा बादल बनकर वो बादल से पानी बरसते हैं। हमारा पाठ का नाम क्या है बोले तो बरसते बादल। हमारा 10वीं कक्षा का पहला पाठ क्या है बोले तो बरसते बादल में पहला हम उन्मीकरण देखेंगे। बरसते बादलों से ही हमको पानी मिलते हैं। वर्षा के पानी हमको बादल से मिलते हैं। बादल यानी मेघ, इसी को हम जलद भी कहते हैं। इंग्लिश में, अंग्रेजी में क्लाउड्स कहते हैं। उस बादलों से ही हमको वर्षा के पानी मिलते हैं। अब बरसते बादल में पहला उन्मीकरण देखेंगे। उन्मीकरण में क्या है बोले तो एक बार देखेंगे। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती तेक मांगती, हो क्या मेघों से पानी, हो क्या मेघों से पानी। उन्मीकरण में पहला पद्य का अर्थ देखेंगे। पद्य, क्या गाती हो, क्या गा रही है, किसे बुलाती है, किसको बुला रहे तुम, बतला दो कोयल रानी। कोयल रानी को इस तरह कवि ने कह रहा है, क्या कह रही है तू, किसे बुला रही है, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती, यह प्यासा हुआ धरती को, इस धरती को देखकर, प्यासी धरती को देखकर, देख मांगना यानी आस्किंग। प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी। यह प्यासी हुआ धरती को देखकर तुम मेघों से पानी मांग रहे हैं क्या,
बताओ कोयल रानी बोलकर यहाँ पर हमने हमको यह इस पद्य में इस कविता में बताया गया है। इस उन्मुखीकरण में पहला प्रश्न देखेंगे, मीठे गीत कौन गाती है बताओ। मीठे गीत यहाँ पर गाना कौन गा रही है, मीठे गीत कौन गा रही है ती है, मीठे गीत कौन गाती है, मीठे गीत कोयल गाती है। और दूसरा प्रश्न देखेंगे, कोयल किसके लिए पानी मांगती है, किसके लिए पानी मांगती है, किसके लिए पानी मांगती है। हाँ सही जवाब दिए हैं आप, कोयल किसके लिए पानी मांगती है बोले तो, यह धरती प्यासी हो पूरा प्यासी से हुआ प्यासा हुआ यह धरती को देखकर पास प्यासी धरती के लिए कोयल पानी मांग रही है। और उन्मुखीकरण में तीसरा प्रश्न देखेंगे, बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाती है। बादल 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 यानी मेघ, मेघ यानी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्लाउड्स। यह बादलों से प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाती है, कैसे बढ़ाती है बोले तो, यह भूमि पर धरती पर पानी गिरने के लिए पानी आने के लिए कहाँ से आते बोले तो बादल से आते हैं। बादल आने से ही वह बादलों से ही वर्षा के पानी गिरती है, उस पानी से ही पूरा प्रकृति हरियाली से छा जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बादलों से प्रकृति की शोभा इस तरह बढ़ती है, कैसे बोले तो उस बादलों से पानी गिरती है, उस पानी से क्या धरती पूरे हरियाली बन जाती है, पूरा धरती के ऊपर पूरा हरियाली छा जाती है, उस हरियाली से हमारा प्रकृति की शोभा बढ़ सकती है। इस तरह हम तीसरा प्रश्न का जवाब लिख सकते हैं। और नेक्स्ट उन्मुखीकरण के बाद हम उद्देश्य देखेंगे, इस पाठ का उद्देश्य क्या है।